वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 24 आवर्स के बाद फिर आपको वेदर कंडीशन बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि तूफान की क्या पोजीशन है, बारिश की क्या सूरत हाल है। कल आपने देखा, ये पूरा मामला देखा कि कल हवा भी चली, कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, इस हवाले से भी मालूम रहेंगे। इससे पहले मैं आप ये पूरी मालूम रजा मोहम्मद रजा साहब आपको बताएं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के इसको नीचे आप देखेंगे तो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे दबा दें और साथ ही घंटी है उसको भी जब बजा दीजिएगा और नेक्स्ट हमारी कोई भी वेदर अपडेट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रजा साहब। वालेकुम सलाम फरहान भाई। रजा भाई, आप आज मंगल का दिन है और अब बताएं कि मंगल वाले दिन क्या पोजीशन है तूफान की और हमारे इलाके में क्या हमारे नसीब में मिट्टी ही है या ये हवा झक्कड़ ही है या कोई बारिश की बूंदे भी है? फरहान भाई, तूफान की पोजीशन ये है कि रात तकरीबन 11:40 के करीब तूफान डई इलाका है गुजरात का, उनके करीब जाकर टकरा चुका है। और जब टकराते वक्त इस तूफान की जो रफ्तार थी हवाएं चलने की, वो 180 से 190 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से थी और इन इलाकों में बहुत शदीद किस्म की बरसात और तूफानी हवाएं थी, जिनकी वीडियो भी वायरल व्हाट्सएप ग्रुप पे सोशल मीडिया पे हो चुकी हैं। अब टकराने के बाद तूफान जिस तरीके से हमने कहा था कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साइड पर हो जाएगी, तो सेम वही हुआ है। अब इसकी जो सिम्थ है, डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट हो गई, यानी कि राजस्थान इंडिया की जानिब हो गई है। तो अब सिंध कह सकते हैं कि बिल्कुल ही सेफ है, किसी किस्म का कोई भी जो कहते हैं कुछ परसेंट भी खतरा है वो बाकी नहीं रहा। बाकी क्लाउड का जैसे कहा था कि आज का दिन आपका क्लाउडी गुजरेगा, हवाएं तेज होंगी, तो वो मौजूद है। कल शाम को कुछ इलाकों में मीरपुखास जिला, बतीन जिला, थरपारकर, उमरकोट कुछ इलाकों में बारिश हुई। रात नंगर पारकर में अच्छी बारिश हुई है। आज सुबह थरकोल फील्ड और नंगर पारकर के इलाके में बारिश की दोबारा इत्तलात हैं। आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं होंगी, कहीं पर बारिश होगी और कहीं पर मौसम खुशगवार या अपने आलूद रहेगा। रही बात डिग्री की, तो डिग्री में आज दिन भर हवाएं चलती रहेंगी। ये हवाओं की शिद्दत में कुछ मजीद इजाफा होगा दोपहर के वक्त। बादल मुकम्मल दिन भर छाए रहेंगे। बारिश के चांस 50-50 हैं कि हो सकता है बूंदाबांदी या कुछ हल्की बारिश मिल जाए या कल की तरह बाईपास कर जाए टंडो जान हमादिया, जैसे हमारे सराउंडिंग एरियाज में बारिश चली गई थी, तो ये भी मुमकिन पॉसिबल है। लेकिन आज का दिन बारिश के चांस रहेंगे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं हम। और अगर आज बरसात नहीं मिली तो फिर बरसात के चांस आपके खत्म हो जाएंगे। कल ये कि बादल किसी वक्त खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हवाएं भी अपनी नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएंगी और इस तरीके से इस तूफान का एंड हो जाएगा, क्योंकि ये आगे राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली जाएगा। अच्छा, तो ये बरसात, ये तूफान का जो टेन्योर था वो पूरा हो गया हमारे सिंध का। अच्छा, अब नेक्स्ट बरसात का मतवक्का वेदर कब बनेगा और कितने अरसे बाद बनेगा, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है आप? नेक्स्ट जो है वो भी एक और आपको फरहान भाई बात बताते चलें कि इस अरबियन सी के अंदर एक और तूफान एक्सपेक्टेड है। और ये लोग कल मैं किसी से कहा तो लोग बड़े परेशान कि ये क्या ये भी मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। 24 या 25 मई के आसपास अरबियन सी के अंदर ही एक और तूफान मुतवक्के है। अगर उसको माहौल साजगार मिला तो वो बन सकता है, जिसका नाम रखा जाएगा यास। उस तूफान की डायरेक्शन ज्यादातर चांस ये है कि वो ओमान की तरफ जाएगा, उससे भी सिंध को इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं होगा। इसी तरीके सेम तरीके से इसी महीने के आखिर में बे ऑफ बंगाल में भी एक तूफान बनेगा, तो कह सकते हैं मई के इस बकिया महीने के अंदर 1 से 2 तूफान इन समंदरों में मजीद एक्सपेक्टेड है। लेकिन उनसे सिंध को बारिश के ज्यादा खातिर ख्वाह कोई इम्कान नहीं है सिवाय गर्मी मिलने के। और कराची में कल आपने सुना होगा कि गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया इस साल, क्योंकि 44 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, फीलिंग 45 से 46 था। तो आज भी कराची को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मीरपुरखास जिले समेत मीरपुरखास हैदराबाद डिवीजन के अंदर आज मौसम अच्छा होगा, हवाएं होंगी, दर्जात कम होंगे। खसूसन थरपारकर के अंदर आज दर्जा हरारत 30-32 सेंटीग्रेड के आसपास होगा, जो कि गर्मी या मई के महीने का सबसे कम दर्जा हरारत होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस मई के एंड तक हमें हमारे यहाँ एक मामूल के मुताबिक बूंदाबांदी एक्सपेक्टेड है, कोई मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, और वो बूंदाबांदी भी 50% है। जी हाँ, बूंदाबांदी हल्की में, जिसका आज का दिन है, अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन एक सिग्निफिकेंट रेन जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छी रेन, हेल्दी रेन, वो हमें शायद देखने को ना मिले। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जून का, क्योंकि इस मरतबा जून से जो मानसून आ रहा है उम्मीद की जाती है वो भी धमाकेदार होगा। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, इसके लिए एक अलग से हम बात करेंगे इंशाल्लाह उस पर डिटेल।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बारिश के हवाले से बताया। ये इस तूफानी सूरतेहाल के हवाले से हमारा आखिरी प्रोग्राम था। इंशाल्लाह जैसे ही मौसम का मौसम बना या कोई बारिश का मामला बना तो हम आपको 24 आवर पहले जरूर आगाह करेंगे। उम्मीद है आपने नीचे सब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ घंटी बजा ली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।